अगर आप एस की बात करें तो उनकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी उसके साथ साथ जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी स्किल सेट और नॉलेज भी डिफरेंट होगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसके केस में भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और लोगों की नॉलेज एंड स्किल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी इस मॉड्यूल के अंदर वी विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन दार्डवेयर कंपोनेट ऑफ एन ईअरपी सिस्टम

अब सपोर्ट का मतलब यह है कि आईटी स्टाफ जो आपकी कंपनी में मौजूद होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए नॉलेज और स्किल सेट डिफरेंट किस्म की चाहिए लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने ईआरपी वेंडर किसी एक कंपनी का यूज करना है तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आपको उस हार्डवेयर कन्फिग्रेशन की जरूरत है कि जो उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे सिमिलरली सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या हैं? और जो लोग उसको सपोर्ट करेंगे आफ्टर इंप्लीमेंटेशन वो क्या है अनलेस द सॉफ्टवेयर इज सपोर्टेड बाय द राइट ईआरपी हार्डवेयर इट विल नेवर बी एबल टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल अब कई दफा ये होता है कि इवन दो यू मेक श्योर के यू हैव प्लेड एनालाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड बिफोर यू एक्चुअली इंप्लीमेंट लेकिन अगर आप हार्डवेयर ऐसा बाय करते हैं या हार्डवेयर की जो कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट हो सकती है उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगी तो वो हार्डवेयर अप टू फुल पोटेंशियल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नहीं प्रोवाइड कर सकता तो व्हेन यू आर मेकिंग ए डिसीजन टू बाय द हार्डवेयर क्योंकि जब आप नया एरपी वेंडर अपनी कंपनी में उसको लाकर उसके सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको वो हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा कि जो उस सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल है एन erp सिस्टम requires ए पावरफुल सेट ऑफ सर्वर्स फॉर development टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन environment तो आपको डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्शन के लिए सारी चीजों के लिए आपको उस हार्डवेयर की जरूरत होगी कि जो उस ईआरपी सिस्टम के साथ कंपेटेबल हो कई दफा ये होता है इन मेनी ऑफ द कंपनी के हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन कम रख बाय कर लिया जाए ताकि पैसों को सेव किया जाए लेकिन उससे नुकसान क्या होगा उससे नुकसान ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर रैम की कुछ रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं की तो सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी जब की हो तो यूजर भी कम हो जाएगा तो कई केसेस के अंदर ये होता है कि यूजर विल स्टार्ट कंप्लेनिंग पहले जो सिस्टम चल रहा था वो तेज था क्यों क्योंकि सर्वर जब रिस्पॉन्स देता था तो वह तेज रिस्पॉन्स देता था लेकिन अब जो हम नया एयरपी सिस्टम देख रहे हैं उससे अच्छे तरीके से जो रिप्लाई है वो नहीं आ रहा हार्डवेयर इज क्रूशल टू एट इज इट इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज द फर्म डिस्पोजल मेनी केसेस के अंदर हार्डवेयर की जब आप प्रोक्यूरमेंट करते हैं तो वो काफी महंगा होता है यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक दो या चार सर्वर्स बाय करने क्लाइंट्स के सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या होगी उसके अंदर हार्डवेयर क्या होगा तो वो सारी चीजें आपको कंसीडर करने की जरूरत है की रिसोर्से इंक्लूड सर्वर हाई एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इन मेनी केसेस यू कैन बाय एन हार्डवेयर जिसके अंदर मल्टी प्रोसेसर स्पोर्ट हो सेवरल गीगा बाइट ऑफ मेन मेमरी एंड सेवरल टेराबाइट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज तो मेन सेकेंडरी और मेमरी की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कंसिडरेशन आपको सामने रखकर आपको डिसीजन करने की जरूरत है उसके साथ साथ यू विल बी नीडिंग क्लाइंट अब अगर लेगेसी सिस्टम या कोई आप पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी लेकिन अगर आप न्यू इंप्लीमेंटेड ईआरपी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो देर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि आप क्लाइंट भी का हार्डवेयर भी अपडेट करें तो पीपल एक्सेसिंग ईआरपी सिस्टम एंड क्लाइंट्स कैन इंक्लूड एंड यूजर आई टी स्पोर्ट स्टाफ एंड डेवेलपर तो पीपल हु विल बी यूजिंग आर यूजर्स पीपल हु आर सपोर्टिंग दैट ईआरपी सिस्टम आर ईटी स्पोर्ट स्टाफ एंड पीपल हु विल कस्टमाइज ई आर पी सिस्टम फॉर द यूजर आर जनरली कॉल्ड डेवेलपर्स एंड प्रेफर दैट इंक्लूड प्रिंटर सर्वर प्रिंटर बैकअप पावर सप्लाई एंड नेटवर्क हार्डवेयर तो ये सारी चीजें मिलकर एक पूरे ई आर पी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगी